Sumpah. मेरा काम करने नहीं आना? अभी नहीं, अभी घंटा लगेगा मुझे। जल्दी आ जाओ, मुझे जरा काम पे जाना। कमर्शियल करने कराची जाना है। मैं विष्णु तो एंड टाइम पर कोई कमर्शियल पकड़ लिया। पता तो है ना कितनी लालची है। बाकी ऑलमोस्ट तमाम मॉडल्स ब्राइडल कुटिया वीक में बिजी हैं। बॉस आगे कर दें शूट। नहीं 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 नहीं, शूट कैंसिल नहीं होगा। तुम ऐसा करो, बाकी सारी चीजें लाइन अप करो। आई विल सी। हाँ ग्रेट, ओके। जी जी हाँ हाँ, आप लोकेशन भेज दें, मैं आ जाता हूँ। जी जी मुझे समझ आ गई। कोई बात हुई तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ। जी बहुत अच्छा, रखता हूँ। ठीक है। ओ हेलो जी, किधर? मरीज़ देखने जा रहा हूँ। मरीज़ देखने जा रहे हो कि धंधे पे जा रहे हो? ये लिपस्टिक साफ करो। जी बजट अच्छा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस यार। देखिए, बेशक आप शूट ना करें, मगर इतने एरोगेंट वे में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। कॉफी बना दूं आपको? चार बच्चे पैदा कर लिए, मगर फिगर जूं का तूं। फिगर मतलब? कुछ नहीं। ये कॉलर बोन देखी है तुमने अपनी? क्या क्या जतन करती हैं मॉडल्स इसके लिए, और तुम्हारी तो कुदरती है। ये निकली हुई हड्डी, मेरी सास तो इतना सुनाती हैं, कहती हैं अफ्रीका का कहत काट के आई है। हड्डियां निकली हुई हैं जिस्म की। हाय चंदा, तुम्हारी सास को क्या पता कि ये खूबसूरती की अलामत है। अच्छा सुनो, एक काम है तुमसे, पैसे दूंगी। आओ जरा बेडरूम में। आ जाओ आ जाओ, ऐसे क्यों बिहेव करती हो जैसे मैं कोई मर्द हूँ? क्यों शर्माती हो इतना? वो मुझे ज़रा जल्दी जाना था बच्चों के दाखिले के लिए, डॉक्टर साहब की बीवी के साथ। ये डॉक्टर साहब की बीवी बड़ा मेहरबान रहती है तुम पर। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना दोनों मियाँ बीवी का पेयर बड़ा ही अजीब लगता है। डॉक्टर साहब को देखा है तुमने? मुझे कोई पुराने वक्तों की तवायफ लगते हैं। बातें देखा कैसे करते हैं, आंखें मटका मटका कर, और यूं यूं बालों को झटका देते हैं। गॉड! और बीवी मुकम्मल मर्द। चेहरा देखे कैसे खुरदरा सा है, जीभ जैसे प्रॉपर शेव की हो। ठहर वहर भी जाती है उनके पास? नहीं तो। झूठ मत बोलो, छोटी सी कॉलोनी है, सारी खबरें मिल जाती हैं मुझे। वो बस एक दो दफ़ा रुकी थी, वो जब उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। अब जाहिर सी बात है। बस ज़्यादा सफाइयाँ मत दो। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा खामद मजदूरी करता है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और अगर कोई गरीब समझ कर मेरी मदद करता है तो लोग उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब एक औरत दूसरी औरत की मदद कर रही है फिर भी। देखो चंदा, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बात सही। मैं जानती हूँ, आई अंडरस्टैंड, आज के इस दौर में मजदूर मियाँ 4 बच्चे मुश्किल हो जाता है ना। मैं तो समझती हूँ कि आदमी एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ खबर ना हो। बात होगी इस पर तफसील से। किसका फोन है? मॉडल अरेंज हो गई है, बस ट्रायल ले रही हूँ उसका, भेजती हूँ तस्वीरें। कल चले जाना डॉक्टर साहब के घर। अभी बस कपड़े पहनने हैं, जेवर पहनना है। 10,000 दूंगी मैं, तैयार मैं खुद कर दूंगी, ठीक है? पैसे अगर आज दे देती तो मेरा एक ज़रूरी काम हो जाता। दे दूंगी, लालची औरत, दे दूंगी। उधर देखो जरा, वीडियो है। अब इस तरफ, मेरी तरफ देखना तुमने, ठीक है ना? मुस्कुराओ। चलो डन, अच्छा हो गया। और तस्वीरें तो नहीं लेनी ना आपने? मैं अब जाऊं, कपड़े बदल लेती हूँ, बहुत चुभ रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम चंदा? कितनी हसीन लग रही हो, कोई कह ही नहीं सकता कि 4 बच्चों की माँ हो। कामिनी सी, नाजुक सी, अफसानवी सी। ये डॉक्टर साहब की मर्दनुमा बीवी के साथ तुम्हारा दम नहीं घुटता? ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आप क्यों डॉक्टर साहब की बीवी का नाम लेती हैं? मैं शादीशुदा हूँ, बच्चों वाली, मैं क्यों किसी दूसरी औरत को खुद पर चढ़ने दूंगी? तो तुम्हारा किसी दूसरी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और डॉक्टर साहब की बीवी के साथ तो तुम्हारा कोई चक्कर ही नहीं है, है ना? मुझे आदत नहीं है इस काम की, वरना मैं जरूर मान लेती जो आप कहना चाहती हैं। चुतियाते की बातें मत करो चंदा। आदत, जबिल्लत, इंस्टिंक्ट, तो मैं कैसे समझाऊं? देखो, आदत तो ये है ना कि तुम्हें सिगरेट पीने की आदत है, तो किसी ने तुम्हें कह दिया कि सिगरेट पीने से तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो तुमने वो आदत खत्म कर दी। तुमने 10 से 5 सिगरेट कर दिए, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर खत्म, खल्लास, आदत खत्म। इसी तरह चाय की आदत हो सकती है, कॉफी की आदत, शराब की आदत, मगर जिबिल्लत, इंस्टिंक्ट, तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, ऐसा है ना कि अगर एक आदमी में कमीनगी मौजूद है ना, तो वो पूरी जिंदगी कमीना ही रहेगा। छोटी सी बात है, मैं ऐसी औरत नहीं हूं। मैं कल से काम पे नहीं आ रही। क्यों बीसी? 2 क्लाइंट्स ने ओके किया तुम्हारा? शूट्स के पैसे पकड़े हैं मैंने। और क्या क्या खुद को समझती क्या हो तुम? आलिया भट्ट समझती हो? हाँ, अब कॉलोनी की औरतों में जाकर ये मशहूर मत कर देना कि मैंने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, जिसको तुमने बड़ी बासानी नाकाम बना दिया। चूतिया ना किसी और को समझिएगा। 10,000 में कोई खूबसूरत लड़की शूट पे काम नहीं कर सकती। आप लोग तो लाखों कमाते हैं और लाखों खर्च करते हैं। घर घर काम करते हैं हम। इतने भी चूतिया नहीं है जितना आपने समझ रखा है। और शूट के पैसे ना अच्छे दिलवाइएगा मुझे। और रही बात बिस्तर पे लाने की, पता नहीं वो आपके बारे में आता है या नहीं। और हर किसी का दिल डॉक्टर साहब की बीवी की तरह बड़ा नहीं होता। Say